बिल्लाह मिने शैतवान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास BA, हम मॉडर्न ऐसे ही रीडोड कर रहे थे विसलिंग ओ बर्ड्स। ठीक है, आज हम जो है वो इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो रीडोड करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। डिस्कस सम इमेजेस एम्प्लॉयड बाई लॉर्नेस टू सुगेस्टेड अ कंट्रास्ट बिटवीन स्प्रिंग एंड डेथ, बहार और मौत के दरमियान जो है वो फ़र्क वाजिया करना है। इन दिस ऐसे मौजूद में DH लॉर्नेस कंट्रास्ट मुकाबला करता है द ब्यूटी खूबसूरती ऑफ स्प्रिंग बहार की विद द डिस्ट्रक्शन तबाही के साथ कॉज बाई विंटर सर्दियों की वजह से। स्प्रिंग इज़ द नेम, स्प्रिंग नाम है ऑफ लाइफ जिंदगी का एंड एक्टिविटी और सरगर्मी का। वाइल विंटर जबकि सर्दी इज़ द नेम है डिस्ट्रक्शन तबाही का एंड रोइन तबाही का। बोथ द सीजन, दोनों जो है वो सीजन मौसम स्टैंड पोल्ड पार्ट बहुत दूर हैं फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। द राइटर हैज़ डिपेक्टेड तस्वीर कशी करता है द ब्यूटी खूबसूरती की ओफ बोथ सीजन दोनों मौसमों की बाई एम्प्लॉयड इस्तेमाल करते हुए वेरी पावरफुल ताकतवर एंड इफेक्टिव मौसम इमेज तस्वरात या खाके। अब हम जो है वो इसके इमेजेस पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन के, वो कौन कौन से जो है वो इमेजेस दिए हैं जो तबाही के हैं। ठीक है, वो ये हैं ब्लडी क्लॉक ऑफ बर्ड्स, पिंदों के जख्मी ढांचे, रिमेन ऑफ लेफ्ट विंग स्ट्रेलिंग थ्रोशेस, मुख्तलिफ पिंदों बचे कुचे निशान, हैवी साइलेंस ऑफ फ्रॉस्ट, ब्लैक टाइड स्याह तूफान, टोन इक्रीजिस ऑफ बर्ड्स, बैट्स इन द एयर, डेथ ऑफ ओवरवेलमिंग फ्लॉड। ये हैं इमेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इमेजेस ऑफ लाइफ एंड स्प्रिंग, ठीक है, जिंदगी और बहार के जो इमेजेस तसव्वुरात, फ्लेम ऑफ सनशाइन सूरज की छुआएँ, सिल्वरी साउंड, थ्रीड्स ऑफ सिल्वर, जर्मिनेटिंग नॉइस, सिल फाउंटेन्स, द ग्लिमरिंग जेल मिल गन्ना ऑफ न्यू क्रिएशन, अ फाउंटेन ऑफ सिल्वरी ब्लिसफुलनेस, सिल्वरी सॉन्ग, आगे सबटल गहरी न्यू वाइंड फ्रॉम हेवन। और ये देखते हैं यानी कि जो है सबटल न्यू वाइंड फ्रॉम हेवन, ये मेरे ख्याल से इतना ही जो है इमेजेस ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। ये तो था बेटा आज का जो है वो क्वेश्चन जो मैंने रीड आउट करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।